नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। विद्युत विभाग की लापरवाही हादसे को दे रही दावत, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। झांसी के मोड़ क्षेत्र के ग्राम बमरोली के मोहल्ला आजाद नगर में विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली है, जिसमें विद्युत विभाग ने टूटे हुए विद्युत तारों को जमीन से महज कुछ ऊंचाई पर जोड़ दिया है और वहां विद्युत तार जमीन से कुछ ऊंचाई पर झूल रहे हैं, जिसमें दो बार गाय भी झुलसने से बच चुकी है। कई बच्चे भी तारों में झुलस सकते हैं। कोई भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने विद्युत लाइन सही कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले? यही मेडिकल के सामने। यही यहाँ पे क्या मामला है? यहाँ पे क्या हुआ कि दो दिन पहले ये लाइन टूट गई थी, तो ये टूटी पड़ी हुई थी, तो ये लोग आए विद्युत विभाग के और बिल्कुल नीचा जोड़ के चले गए, जबकि इसमें दो बार गैया बची, कल गाय बची और आज एक भैंस बची। तो यहाँ पर कोई भी आए दिन आगे चल के कोई घटना घट सकती है। विद्युत विभाग से कहाँ नहीं इतनी नीचे बांध के जा रहे हैं? विद्युत विभाग से बोला था तो बोल रहे थे मात्र ये रात भर के लिए है, 4-6 घंटे के लिए और सुबह ठीक हो जाएगी। आज कितने दिन हो गए? आज इसको 2 दिन हो गए। किसी से बात हो पाई है? किसी अधिकारी? नहीं, अभी तो फिलहाल किसी से बात नहीं हुई। इससे क्या घटनाएं हो सकती हैं? इससे कोई भी घटना घट सकती है, जैसे इनमें से कोई भी लंबा लड़का ऐसे ये है या इनमें से कोई भी हाथ ऊपर खड़ा कर दे तो किसी को भी टच होके आगे चले कोई तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है।